हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण फल के बारे में, कीवी के फ्रूट के बारे में। कीवी का फल बहुत सारे पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है। इसको छिलका उतारकर या कुछ लोग छिलके सहित खाते हैं। इसके छिलके में भी बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अगर अच्छे से धोकर कीवी को छिलके समेत खाया जाता है तो भी यह बहुत सारे पोषक तत्व देता है। कीवी का प्रयोग सलाद के रूप में, फ्रूट्स के रूप में किया जाता है। किस बीमारी में कीवी का कैसे प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, खाने से पहले लेना है, खाने से बाद में लेना है, ये सारी जानकारियां लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही आयुर्वेदिक जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर हम कीवी के फ्रूट की मात्रा की बात करते हैं तो दिन में आप 100 ग्राम तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात 1 से 2 कीवी के फ्रूट एक दिन में एक स्वस्थ व्यक्ति खा सकता है। उससे ज़्यादा अगर ये लिया जाता है तो इसमें खट्टापन होता है, दांत खट्टे हो सकते हैं और भी कई नुकसान हो सकते हैं जो कि हम वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। जो लोग बच्चे हैं, बूढ़े हैं, शरीर में कमजोरी ज़्यादा है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, ऐसे लोगों के लिए कीवी का फ्रूट इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि शरीर के अंदर एनर्जी को बूस्ट करते हैं। तो इसलिए जो कमज़ोर लोग हैं अगर इसका सेवन करते हैं सुबह खाली पेट, एक स्वस्थ व्यक्ति अगर 1 से 2 कीवी का इस्तेमाल करता है तो उससे देखा जाता है कि इससे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिलती है, जिस कारण कमजोरी दूर होती है। कीवी का फ्रूट इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी काफ़ी फायदेमंद है। जिन लोगों की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, बार बार बीमार हो जाते हैं, बार बार बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसे में अगर लगातार खाली पेट सुबह एक कीवी का फल खा लिया जाता है तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। जिन लोगों को हृदय रोगों की समस्या रहती है, हार्ट बीट जिनकी नियंत्रित नहीं रहती, कहते हैं दिल हर समय धड़कता हुआ महसूस होता है, तो उन लोगों के लिए भी कीवी का प्रयोग करना काफ़ी फायदेमंद होता है। यह शरीर में ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। जिन लोगों का बीपी ज़्यादा है अगर वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर मौजूद पोटेशियम जो होता है ब्लड प्रेशर को भी कम करता है और साथ में हृदय की जो मांसपेशियाँ हैं उनको यह बल देता है। अगर कहीं क्लॉट्स हो गए हैं तो उनको भी यह धीरे धीरे कम करता है। तो इसलिए जो हार्ट डिजीज से परेशान रहते हैं, दिल की बीमारियां जिनको रहती हैं, वो लोग अगर कीवी का प्रतिदिन खाली पेट इस्तेमाल करते हैं तो उससे देखा जाता है काफ़ी फायदा होता है। 1 से 2 कीवी सामर्थ्य के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। जिनको आँखों के आगे धुंधलापन रहता है या मोतियाबिंद की शिकायत हो गई है, आँखों की रोशनी कम हो गई है, या बच्चों को जिनको छोटी उम्र में चश्मे लग जाते हैं, वो भी लोग अगर इसका इस्तेमाल करते हैं आँखों की रोशनी बढ़ती है, साथ में जो हमारे धुंधलापन है या आँखों में जो कमजोरी होती है उसको यह दूर करता है। जिनको मोतियाबिंद की दिक्कत है वो भी इस्तेमाल करते हैं तो वो वहीं रुक जाता है। आँखों के स्वास्थ्य के लिए कीवी का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद है। जो लोग डेंगू, मलेरिया जैसे बुखारों से परेशान रहते हैं, बार बार बुखार हो जाता है या बुखार के बाद जिनको कमजोरी आ जाती है, प्लेटलेट्स जिनके डाउन हो जाते हैं, ऐसे में अगर बुखार की कमजोरी दूर करने के लिए या प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए कीवी का इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि कमजोरी को दूर करते हैं। लगातार प्रयोग से प्लेटलेट्स लेवल भी बढ़ने लग जाता है। पुराने बुखारों से परेशान लोग सुबह शाम हल्का दलिया या हल्का अनाज खाने के बाद आधे घंटे बाद अगर कीवी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे काफ़ी फायदा होता है। जिन लोगों को फूड पाइप में या आंतों में अल्सर हो गए हैं, तेजाब ज़्यादा बनता है, वो भी अगर खाली पेट कीवी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे देखा जाता है तेजाब बनने की समस्या कम होती है। ये एंटीबैक्टीरियल गुण इसमें मौजूद होते हैं जिस कारण यह अल्सर की दिक्कत, तेजाब बनने की समस्या को कम करता है।
जिनको शुगर के कारण अल्सर हो जाते हैं तो उसमें भी ये काफ़ी फायदेमंद है। देखा जाता है शुगर के मरीजों के अक्सर हाथ पाँव में फोड़े बन जाते हैं या कमर में उनको दिक्कत हो जाती है, वहाँ पर फोड़े फुंसियाँ ज़्यादा होती हैं, ऐसे में कीवी का इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जिस कारण यह अल्सर होने की संभावना कम कर देता है। जिन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल अधिक बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, LDL VLDL का लेवल बढ़ा हुआ है या सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी कीवी का फ्रूट अगर सुबह खाली पेट लिया जाता है तो काफ़ी फायदा देता है। जिन लोगों की त्वचा मुरझाई हुई रहती है, त्वचा बेजान रहती है, ऐसे में त्वचा में नेचुरल ग्लो लाने के लिए, शाइन लाने के लिए अगर कीवी का फ्रूट है डेली इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी विटामिन ई त्वचा पर नेचुरल ग्लो लेके आता है तो इसका अगर नियमित प्रयोग किया जाता है फोड़े फुंसियाँ होने की संभावना और बेजान त्वचा जो होती है या जिनको उम्र से पहले बुढ़ापा आता है, चेहरे पर झुर्रियाँ हो रही होती हैं तो विटामिन ई की मौजूदगी के कारण ये दूर होती हैं और त्वचा पर नेचुरल ग्लो आता है। जिन लोगों को कब्ज की दिक्कत रहती है, गैस अफारा ज़्यादा रहता है तो इसमें फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए लगातार इसके सेवन से कब्ज की समस्या दूर होती है। वाटर कंटेंट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, साथ में डाइट्री फाइबर्स भी ज़्यादा होते हैं जिस कारण कब्ज के से परेशान रोगी अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी फायदेमंद है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, नींद अच्छे से नहीं आती, कुछ समय के लिए आती है, बार बार नींद खुल जाती है तो इसमें मौजूद तत्व जो होते हैं शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन के लेवल को बढ़ाते हैं और बहुत सारे विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अच्छी गहरी नींद आती है, इसलिए शाम के समय अगर खाने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये काफ़ी फायदा देता है, नींद अच्छी और गहरी आनी शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी के अंदर भी कीवी का प्रयोग करना काफ़ी फायदेमंद रहता है, इसमें मौजूद विटामिन ई विटामिन सी फोलेट प्रेग्नेंट लेडी के शरीर में आयरन की भी कमी नहीं होने देते और एंटीऑक्सीडेंट और अन्य जो विटामिन्स होते हैं माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद रहते हैं। हाँ, आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी होनी चाहिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। जिन लोगों को पायरिया की दिक्कत रहती है, बार बार मसूड़ों से खून आता है, उन लोगों के लिए भी कीवी का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद रहता है क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन सी हमारे दांतों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है जिससे मसूड़े भी मजबूत बनते हैं और दांतों से खून आने की समस्या भी कम होती है। जो लोग मोटापे से परेशान हैं, अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी कीवी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि कीवी के अंदर डाइट्री फाइबर ज़्यादा होते हैं, विटामिन्स एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, खाने के बाद जो भूख भी कम लगती है तो खाने से आधा घंटा पहले अगर कीवी का इस्तेमाल किया जाता है और अन्य भी अपने जो डाइट रूल्स हैं अगर फॉलो किए जाते हैं, मीठे का इस्तेमाल कम किया जाता है तो धीरे धीरे इस्तेमाल करने से जो वजन है वो कंट्रोल में आने लगता है और भूख भी कम लगती है। पेट में भरापन लगता है तो वजन कम करने के लिए अगर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी फायदेमंद है। कीवी का प्रयोग करना हमारे बालों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अन्य बॉडी पार्ट्स की तरह बालों को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, हमारे हेयर्स में नेचुरल शाइन आती है अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें मौजूद विटामिन जिंक मैग्नीशियम आदि हमारे बालों को पोषक तत्व देते हैं जिस कारण बालों में शाइन आती है, बाल झड़ने की समस्या कीवी के निरंतर इस्तेमाल से दूर हो जाती है। खाने के आधा घंटे बाद अगर बालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है यह तो काफ़ी फायदेमंद है। कीवी के अंदर कैंसर रोधी गुण भी मौजूद होते हैं, इससे कैंसर सेल्स की ग्रोथ कम हो जाती है। अगर कैंसर से भी ग्रस्त लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं तो उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। जो लोग गठिया से परेशान हैं, जोड़ों के दर्दों से परेशान हैं तो कीवी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, इसलिए जोड़ों के दर्दों से परेशान लोगों के लिए कीवी का इस्तेमाल करना काफ़ी फायदेमंद है।
लोगों को जोड़ों में सूजन रहती है उसको भी यह कम करते हैं, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, और तो और यह पूरे शरीर की सूजन को भी कम करता है। खाने के आधे घंटे बाद अगर कीवी के फल का 1-2 महीने तक इस्तेमाल किया जाता है तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, यह बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसलिए हाइपरटेंशन के जो रोगी हैं, हाई ब्लड प्रेशर से जो परेशान रहते हैं, अगर वो कीवी के फल का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। जिन लोगों का ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, शुगर के मरीज हैं, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है, इसलिए वो लोग भी कीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हेल्थ बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। जिन लोगों को बार बार सर्दी, जुखाम, खांसी होती है, फेफड़ों के, लंग्स के इन्फेक्शन होते हैं, तो वो लोग भी अगर कीवी का इस्तेमाल करते हैं। जिनको बार बार अस्थमा की दिक्कत होती है तो उसमें भी यह बल देता है, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स जो होते हैं हमारे लंग्स के लिए काफी फायदेमंद है, तो उससे काफी फायदा होता है। अब हमने कीवी के इतने सारे फायदे जान लिए, कुछ नुकसान भी हैं वो भी हम जान लेते हैं। 1-2 फल की मात्रा में आप इसको प्रतिदिन 100 ग्राम तक ले सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में अगर ले लिया जाए तो इससे गैस्ट्रिक अपसेट हो सकती है, कई बार अफारा आ सकता है या कई बार दस्त लग सकते हैं। कई लोगों को कीवी से एलर्जी होती है तो उनको गले में इरिटेशन हो सकती है या स्टमक अपसेट हो सकता है, पेट में गड़बड़ हो सकती है। जिन लोगों का बीपी कम रहता है उनको भी कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कीवी के इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए लो ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं उनको, जिनको हाइपोटेंशन की दिक्कत है, कम इस्तेमाल करना चाहिए। शुगर के मरीजों को भी सावधानी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। इसलिए अपना ब्लड शुगर लेवल ध्यान से आप मेंटेन कराते रहें। जो हाइपोग्लाइसीमिया से परेशान है, जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम रहता है, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहता है उनको भी इसका सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी इस फल में फायदे बहुत ज्यादा हैं। अगर इसका नियमित मात्रा में और निश्चित समय पर आप इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली ये बहुत सारे फायदे देते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर किसी के मन में कोई शंका हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।